नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी व कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश में समाजवादी पार्टी भाजपा की मदद कर रही है, उसका प्रदेश में चुनाव लड़ने का कोई भी लॉजिक नहीं है। आपको बता दें, जिस पार्टी के सर्वोच्च नेता मुलायम सिंह यादव लोकसभा में नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री का आशीर्वाद दे चुके हैं, वह पार्टी चुनाव में मोदी के खिलाफ भाषण देने का क्या तुक रखती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए समाजवादी पार्टी भाजपा की मदद कर रही है ताकि लोकसभा में मुलायम सिंह का दिया हुआ आशीर्वाद फल सके। आपको बता दें, पूर्व जिला पंचायत सदस्य व भाजपा नेता हरिपाल वर्मा के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर निर्मल खत्री ने यह बयान दिया है। देखिए, एक तो समाजवादी पार्टी के चुनाव के मैदान में उतरने की कोई लॉजिक हमें नहीं समझ में आती। अगर उनके नेता लोकसभा में ये भाषण देते हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को ये आशीर्वाद देता हूँ कि वो दोबारा फिर प्रधानमंत्री बने, तो जिस पार्टी का सर्वोच्च नेता एक भरी सभा में मोदी जी को आशीर्वाद देता है कि वो प्रधानमंत्री बने, उस पार्टी का क्या तुक बनता है कि वो मोदी के खिलाफ भाषण करे या ये कहे कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तात्पर्य ये हुआ कि अगर फैजाबाद में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार है तो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए लड़ रही है कि अगर कुछ कांग्रेस का हम नुकसान करा सकते हो तो करा दें ताकि मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन सकें और जो उनके नेता ने लोकसभा में भाषण दिया था वो आशीर्वाद उनका पूरा हो सके। फैजाबाद से दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बात करेंगे यूपी के हाथरस की, जहां हाथरस से गठबंधन प्रत्याशी रामजी लाल सुमन के विवादित बयानों का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। रामजी लाल सुमन ने हाथरस लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा झर्रा में कुछ दिन पूर्व एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विवादित बयान दिया था। सुमन ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी गद्दार था, 1925 में बना आरएसएस गद्दार, जिसने सबसे पहले ब्रिटेन की रानी का स्वागत किया था। इससे बड़ा गद्दार दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। जो आज भाजपा है वो कभी जनसंघ थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इस श्याम प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों को लिखकर कहा कि हम बंगाल में महात्मा गांधी के आंदोलन को फैलने नहीं देंगे। तमाम हमारे देश के लोग इंकलाब का नारा लगा रहे थे और जेल में बंद थे, तब गुलामी और चापलूसी करने का काम कर रहे थे। इससे बड़ा गद्दार दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले गद्दार देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं। वहीं सुमन ने कहा कि मोदी जी सीमा का आतंकवाद रुक सकता है, लेकिन देश में जब आतंकवाद पनपेगा तब क्या होगा? 35 करोड़ भूखे नंगे लोग जिनको इंसाफ नहीं है वो किस दिन बागी हो गए, तब क्या करोगे? ये नौजवान जो डिग्री लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अगर ये बंदूक उठा लेंगे और वो बागी हो गए तो तब आप क्या करोगे? अगर ये गरीबी और अमीरी की खाई खत्म नहीं हुई तो इन्हें बंदूक उठा लेने से कोई नहीं रोक सकता। मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, वारे फकीर 25 लाख रुपए का सूट पहनने वाला, 30,000 रुपए किलो की सब्जी खरीदने वाला आदमी फकीर अगर ऊपर वाला कहीं है, हमें भी ऐसा फकीर बना दे। नरेंद्र मोदी, तुम गरीब देश के प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे लिबास से, तुम्हारे चेहरे से लगना चाहिए कि तुम एक गरीब देश के नुमाइंदे हो। गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। भाजपा के नेता की लड़की की शादी एक मुसलमान से हुई है। यूपी के गवर्नर और पूरी सरकार उस शादी में नाच रही थी। अरे फकीर, 25 लाख रुपए का सूट पहनने वाला, 30,000 का किलो की मशरूम की सब्जी खाने वाला आदमी फकीर, अगर खुदा कहीं है, अल्लाह कहीं है, भगवान कहीं है, तो जैसे हम इस दरवाजे से निकले हम सब लोग फकीर हो जाए, इसलिए अच्छा काम नहीं करते। नरेंद्र मोदी, तुम गरीब देश के प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे लिबास से, तुम्हारी बोली से लोगों को ये लगना चाहिए कि तुम ये गरीब देश की नुमाइंदे हो। गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। जवाहरलाल नेहरू तो शेरवानी बहन की शादी एक मुसलमान लड़के के साथ हुई है,
उत्तर प्रदेश से गवर्नर उस सरकार उस शादी में थे, पूरी सरकार उस शादी में थी, सब नाच रही थी सरकार। भाजपा का कोई नेता उसकी लड़की किसी मुसलमान से शादी कर लेती है तो ये प्रेम विवाह है, निकाह है। और हमारे आपका का वो बेटा कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, लड़की हिंदू है लड़का मुसलमान है तो ये लव जिहाद हो जाता है। मोदी जी को आजकल बहुत बड़ी चिंता है मुस्लिम बहनों तीन तरह। हाथरस से जयकिशोर कुशवाहा की ये रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक।